इस मॉड्यूल में हम फाइलम एनिलेट्स की क्लास ओलिगोकेट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे क्लास ओलीगो जो है ये 3,000 स्पीशीज़ पर मुश्तम है और इस क्लास के एनिमल्स हमें फ्रेश वाटर में मेरीन एनवायरनमेंट में एस्टोरिन में और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स में फ्रीकेंटली मिलेंगे अब इसमें कुछ एलिगोकेड्स जो हैं इसकी एक्वेटिक स्पीशीज़ जो हैं दे नॉर्मली प्रेफर टू लिव इन शैलो वाटर और जो ये टेरिस्टियल हैबिटेट में रहेंगे तो दे प्रेफर टू तो लिव इन बरोस और टेरिस्ट्रियल स्पीशीज़ सॉइल के अंदर रहेंगी उस सॉइल के अंदर ज़्यादा प्रेफर करेंगी रहना जिसके अंदर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है और इसके अंदर नॉर्मली बरोस में रहते हुए इनके बॉडी की हॉट और ड्राई वेदर कंडीशंस को ये कम्बैट कर सकते हैं हॉट और ड्राई वेदर में दे नॉर्मली प्रेफर टू लिव इन थ्री मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल फिर सॉइल कंडीशनिंग जो है दैट आल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ बरोज बाय द अर्थवम अब लम्बरिकस अर्थवम की बात की इसकी जो जोलॉजिकल नेम है वो है लम्बरिकस कॉमनली इसको जूलॉजी की स्टडी में बायोलॉजी की स्टडी में लेबॉटरीज़ के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है और इसकी यूज़ जो है बिकॉज इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूरोप में इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश्ड है अब इसकी कॉमन नेटिव स्पीशीज़ जो हैं वो है आइसिनिया फोर्टिडा और इसकी एलोफ्लोरा जो है वो इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखें तो ओलिगोकीट्स कीट्स के अंदर जो है वर्ड ओलिगोकीटा कीटा इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ओलिगोस का मतलब है फ्यू कीटा का मतलब है हेयर्स यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे सिर्फ फ्यू हेयर्स जो हैं वो मौजूद होंगे अब इसमें पॉलीकीट्स जो हैं उसके अंदर नंबर ऑफ हेयर्स ज़्यादा थे लेकिन Uh, इसके अंदर ओलीगो किड्स के अंदर नंबर ऑफ़ हेयर्स कम है। किड्स के अंदर पैरापोडिया भी मौजूद नहीं होगा अब चूँकि पैरापोडिया नहीं है तो इसके अंदर लॉन्ग सीटें जो है वो मौजूद है अब ये लॉन्ग सीटें जो है दिस विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बरोस वाइल्ड द एनिमल इज़ इन अ बरोइंग पोजिशन फिर इसमें प्रोस्टोमियम जो कि बॉडी की एंटीरियर साइड पे मौजूद है प्रोस्टोमियम दिस नॉर्मली कंसिस ऑफ ए स्मॉल लोब और कोन इन फ्रंट ऑफ द माउथ बट इट लैक्स द सेंसरी अपेंडिज फिर सीरीज ऑफ सेगमेंट्स थ्रू आउट द बॉडी मौजूद है लेकिन कुछ सेगमेंट्स के अंदर एक सोलन पार्ट होगा और उस सोलन पार्ट को हम कहेंगे क्लाइटिलम। क्लाइटिलम जो है नॉर्मली दिस सीक्रेट्स म्यूकस ड्यूरिंग कर्पुलेशन एंड फॉर्म आर कोकोन फिर को कुछ पॉलिकीड्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी के इर्द गिर्द एक नॉन लिविंग लेयर मौजूद है जिसको हम कहेंगे क्यूटिकल एंड दिस क्यूटिकल इज कवरिंग द एंटायर एनिमल बॉडी अभी हम बात कर रहे थे अर्थवर्म की दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द कॉमन अर्थवर्म इसका जोलॉजिकल नेम है लम्बरिकस टेरिस्ट्रिस अब इसमें देखें बॉडी के टू एंड्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड अब यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स जो हैं दे यूजली सोलन पोर्शन दिस सोलन पोर्शन इज़ कार्ड क्लाइटिलम बाकी इसमें स्ट्रक्चर आप देखें रिंग्स या एनुलाई मौजूद हैं सीटें मौजूद हैं इसके अंदर इंटस्टाइन मौजूद है ब्लड वेजल इज़ प्रेजेंट दैट इज़ रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी अब इस इंटीरियर पार्ट को अगर हम गौर से देखें तो इंटीरियर पार्ट पे हमें सबसे पहले नज़र आता है माउथ माउथ के बाद है इसोफेगस क्रॉप गिजड़ तो दिस इज आल्सो शोइंग एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ओलिगो किट्स में अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इसके अंदर बॉडी मसल्स इन्वॉल्व है सर्कुलर लॉन्गील दोनों टाइप के मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और ये मसल्स हर सेगमेंट में प्रेजेंट हैं इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एनिमल की बॉडी जो है वो मूव करेगी और वेव ऑफ कंट्रेक्शन जो है दैट यूजली स्टार्ट फ्रॉम द रियर एंड एंड मूव्स टू द फ्रंट सेगमेंट्स दे बल्ज एंड सीटे दे प्रोटूड वैन लॉगिंग मसल्स कंट्रैक्ट और प्रोवाइडिंग द पॉइंट ऑफ कंट्रेक्शन ऑल्सो व्हेन द एनिमल इज बरोइंग इन टू द सॉयल फिर हर बॉडी के रीजन के फ्रंटल एंड पे लॉन्गीडनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे सीटी रिट्रैक्ट करेंगे और सेगमेंट्स जो हैं दे आर एलोगेटेड एंड पुश द बॉडी ऑफ द एनिमल अहेड. देन कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गी मसल्स विल टेक्स प्लेस इन इन ईच सेगमेंट एंड पुल द अदर सेगमेंट्स फॉरवर्ड सो एनिमल्स दे यूजली शो मूवमेंट फ्रॉम कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन

और जो बॉडी के अंदर कुछ सॉयल इसको रिक्वायर्ड होती है दैट विल बी रिटेन्ड इन द बॉडी अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सॉयल जो है दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू इट्स एन एस आर थ्रू द प्रोसेस वेन द एनिमल विल एंकर इट्स वन एंड एंड इज मूविंग इट्स अनदर एंड एनी वन हु इज इंटरेस्टेड इन द फिशिंग ऑफ दिस अर्थवम ही कैन ही आर शी कैन वॉच दिस प्रोसेस वाइल द अर्थवम इज burrowing into the soil so through this diagram we can also see the external structure and locomotion that we discussed in earthworm you can say these are its two ends these are the muscles longitudinal muscles these are the circular muscles while burrowing longitudinal muscles they contract and cta are protruded and circular muscles कंट्रेक्टेड सीटें आर विद्रॉन सो यू कैन सी दैट एनिमल बॉडी इज़ मूविंग फ्राम द रियर टू वर्ड्स द एंटीरियर एंड तो इन्हीं की बारी बारी कंट्रेक्शन रिलेक्सेशन से बॉडी जो है दैट नॉर्मली शोज मूवमेंट फ्राम द पोस्टीरियर टू वर्ड्स द एंटीरियर एंड दिस इज़ स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर So, this body is moving ahead through the longitudinal contraction of longitudinal and circular muscles.